खान के बाजियाबी केस की मुमकिना तौर पर जितनी डेवलपमेंट से हमें आगाह किया गया आखिरी तारीख होनी चाहिए और इसमें डेवलपमेंट की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इमरान रियाज खान का केस मुसलसल उलझ रहा है और आईजी तारीख पर तारीख दे रहे हैं मगर वो इमरान रियाज खान को बाजियाब नहीं करवा रहे हैं और अब उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक उन्होंने कह दिया है कि अगर अभी भी हमारे साथ टाल मटोल किया गया और हमें मजीद धोखे में रखा गया इमरान रियाज खान को पेश नहीं किया गया तो फिर अब तक जितने भी हकायक थे जो छुपे हुए हैं हम उनसे पर्दा उठाएँगे। उनकी गुफ्तगु आपको सुनवाते हैं इस केस के हवाले से। आप इस वीडियो का मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल्स पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खान के बाजियाबी केस की मुमकिना तौर पर जितनी डेवलपमेंट से हमें आगाह किया गया आखिरी तारीख होनी चाहिए और इसमें डेवलपमेंट्स की नोयत जो है वो आईजी साहब ने अदालत में आज खुद बयान किया है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जिसमें अब बजाते खुद जो है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस चीफ जो कि आईजी साहब के बयान के मुताबिक भी मौजूद होंगे और इसमें तमाम मामला जो है वो उसमें जितनी डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान की बाजियाबी को हतमी तौर पर यकीनी बनाने के लिए जिसमें हमने वाज तौर पर जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के और खासकर आईजी साहब को आगाह कर दिया था कि हमारा सब्र जो है वो अब जवाब दे गया। इसी मामला फहमी और इसी जो हसासियत को जांचते हुए इमरान रियाज के वालिद उसके वकला की जितनी आखिरी सब्र थी वो अपने आप को जवाब दे गई है तो हमें वाज तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स पहली मरतबा पिछले 10-12 दिन में टेंजिबल नेचर की नजर आई हैं जिसकी बुनियाद पर हमने अदालत से गुजारिश किया कि इनको एक आखिरी तारीख कल तक ही दे दी जाए लेकिन आईजी साहब का इसरार था कि इन्होंने बयान किया कि जो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी अगली मीटिंग में मौजूद होंगे और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस नोयत की हैं कि अब तकरीबन हम इस मामले के हतमी जो है वो बिल्कुल इसकी कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए हैं। तो अदालत ने भी आज वाज तौर पर ऑर्डर किया कि अदालत अपने सबर का जितना भी मुजाहरा कर सकती थी वो कर लिया। इसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक जो है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिन्होंने अब तक के बेशुमार मरतबा वादे वही किए हैं जो इसको नाकाम रही है उनका सबर भी खत्म हो गया है। इमरान की फैमिली वकला अदालत तमाम का सबर जो है वो जवाब दे गया। अब मुझे वाज तौर पर उम्मीद नजर आती है कि ये इमरान के केस की आज आखिरी तारीख होनी चाहिए जिसमें कि इमरान अदालत में बाजियाब होकर पेश नहीं हुआ। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उम्मीद करते हैं कि ये लाजमी तौर पर पेश होगा वरना कि हमें मजबूर मत किया जाए कि इस केस के जो तमाम असल हकायक हैं और जो वाज तौर पर सारी बात है इसको हम फिर जब मुनासिब वक्त आए तो उसको सामने रखें। बराए मेहरबानी हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मामला अफहाम व तफहीम से ख़त्म हो जाए।